39 মনু কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মাইলাফুর মগের সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় শুক্রবার উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। জনসভায় শাবরুম বিধায়ক শঙ্কর রায় এবং মণ্ডল সভাপতি দীপক দত্ত সহ জাতি জনজাতি অংশের বিশাল জনতা উপস্থিত ছিল। সবকা সাথ আর বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশে এবং ত্রিপুরায় উন্নয়নের কাজ চলছে বলে ভাষণে জানান কিরেন রিজিজু। और ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। छोटे छोटे जाति सारा ट्राइबल जितने भी हमारे दूर दराज इलाका में जितना भी हमारे माइनॉरिटीज हमारे छोटे छोटे जाति के लोग रहते हैं सबको मिलकर के मेन स्ट्रीम में लेकर के आगे जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। इसलिए आज जब मैं पार्लियामेंट में बैठता हूँ इतना दूर बॉर्डर एरिया का आदमी इस देश का लोग मिनिस्टर बन करके कैबिनेट में जब बैठता हूँ तो मैं सिर्फ अकेला किरेन रिजिजू बोल के नहीं बैठता हूँ, मैं पूरा ट्राइबल समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे माइनॉरिटी सारा जो बुद्धिस्ट हो या छोटे छोटे हमारे जितना कम्युनिटी है सबको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कई चीजें हैं बोलने के लिए बहुत है, खास करके मैं पहले बार आया हूँ बहुत कुछ बोलने का मन होता है लेकिन मुझे यहाँ से टेक ऑफ भी करना है। ऑलरेडी मैं काफी लेट हो चुका हूँ, मैं सिर्फ आपको दरखास्त करना चाहता हूँ कि इस चुनाव में यहाँ जितने लोग आए हैं आपके लिए तो मेरा दिल में पूरा विश्वास है लेकिन आपके माध्यम से इस इलाका में इस मानव कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई गलती ना करे इसके लिए आपको आने वाले दिन हमारे लिए जो 4-5 दिन बचे हैं थोड़ा सा मेहनत करना होगा। বাম কংগ্রেস জোটকে আক্রমণ করে কিরেন রিজিজু জানান রাজ্যের মানুষ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য বিজেপি সরকার গঠন করবে। और कांग्रेस के कई लोगों को कम्युनिस्ट लोगों ने मारा लेकिन आज देश में भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत हो गया कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट को एक साथ आना पड़ा। वो सत्ता के लिए पावर के लिए एक साथ आए हैं लेकिन हम तो उसको देखते रहते हैं कि कांग्रेस का भी कोई भविष्य नहीं है, कम्युनिस्ट का भी कोई भविष्य नहीं है। জনসভায় বিরাট অংশের মহিলারাও উপস্থিত ছিল। ব্যুরো রিপোর্ট, আরই নিউজ।